स्टूडेंट्स आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल टीम लीडर के अंदर नॉस जो करने जा रहे हैं वो है टू ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एट द स्टोर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल ए के एम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें नाउ स्टार्ट करते हैं स्नो से टू ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एट द स्टोर इसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें एलिमेंट वन है प्रिपेयर टू डिस्प्ले प्रोडक्ट इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वन है कंप्लाई विद हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट एंड बी द करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट थ्रट द प्रोसेस pc2 hair check whether the display area equipment and the accessories are clean and take prompt action on finding any problems pc3 hair assemble and check product and additional material and prepare them for use pc4 hair review the product available for display estimate the quantities required and select those products which are most suitable with regard to shelf life demand appeal and promotional requirements PC5 has prepare the display to ensure maximum appeal and to comply with product safety requirements. Then element two has level display of product. PC6 has me confirm requirement for leveling of product with the relevant people. PC7 has confirm level information is correct and confirms to legal and standard operational requirement with the relevant people. पी सी एट है पोजिशन लेवल फॉर प्रोडक्ट करेक्टली पी सी नाइन है इंश्योर दैट लेवल्स आर लिजिबल विजिबल टू कस्टमर्स सिक्योरली पोजिशन इन द करेक्ट प्लेस एलिमेंट थ्री है अरेंज एंड मेंटेन प्रोडक्ट्स फॉर डिस्प्ले इसमें PC-10 has check and take steps to ensure that the display area always meet the requirement of hygiene, safety and uh, sellability. PC-11 has transfer product safely to the display area according to instructions and PC-12 has specifications. PC-13 has arrange and promptly, promptly replace product and additional material in a way that is attractive for customers and meet the requirements of hygiene and safety. PC 14 reposition and recognize re, sorry, ro, reorganize the position of products and accessories. Where product is not available to maintain presentation and to meet trading condition. PC 15 monitor display according to instructions and specification. PC 16 carry out any emergency cleaning procedures promptly when required. PC 17 take promptly action to address any product or display related problem. सो टोटल थ्री एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हम करने स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम इस एलिमेंट्स में जो हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थे उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे सो फर्स्ट एलिमेंट है प्रिपेयर टू डिस्प्ले प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स कि हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले के लिए कैसे प्रिपेयर uh, करते हैं सो so, इसमें पी सी वन है कम्प्लाई विद हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट्स एंड बी आर द करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस सो इस नोस में ये बताया जा रहा है कि जब भी हम uh, जो भी प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग करने की डिस्प्ले प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करने की प्रिपेयर करने की तो उसमें हम हेल्थ हाइजीन का रिक्वायरमेंट्स जो है उसका विशेष ध्यान रखते हैं सेफ्टी का विशेष ध्यान रखते हैं जब भी हम इन चीज़ों से डील करते हैं तो हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जरूर पहननी चाहिए सो बोलता है वाइल ऑर्गेनाइजिंग ए डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज बीयर सूटेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड आइटम्स के साथ डील कर रहे हैं तो कोई हमें इन्फेक्शन हो जाए या हमारे हाथ ना ख़राब हो जाएं या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कट ना लग जाए तो हमें ग्रब्स पहनने चाहिए है ना जहाँ पे हो सके मास्क और मास्क पहनना चाहिए ताकि फॉल्स स्मेल अगर आपकी है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वायरल प्रॉब्लम है कुछ है तो दूसरे जो कस्टमर है या एम्प्लॉय है उनको ट्रांसफ़र ना हो इसके साथ साथ हमें हेड गियर्स मतलब डिस्पोजेबल कैप का यूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी बाल हमारा फूड प्रोडक्ट्स में में न गिरे यही नहीं हेड गियर्स में हमारे पास हेलमेट भी आते हैं अगर आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं फ़र्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में या वट तो कहीं ना कहीं हमें हेड गियर्स का भी यूज़ करना चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो देन इसके साथ एपरेंस का यूज़ करना चाहिए ताकि कपड़े ख़राब ना हो सेफ़्टी शूज शूज़ जो हैं हमेशा रिक्वायरमेंट रही है कि कोई भी नकीली चीज़ या कोई भी चीज़ पाँव पर गिरे हैवी चीज़ तो आपके पाँव को नुकसान ना हो तो इस तरह से हमें सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स भी देखनी पड़ती है सो बोलता है करेक्ट क्लोथिंग जैसे ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने हैं है ना जो यूनिफॉर्म आपको बताई गई है या तो वो है ना या तो जो भी आपके कपड़े हों जिससे कोई मिसहैपनिंग या एक्सीडेंट ना हो है ना वैसे कपड़े आपको पहनने हैं ताकि आ, आप अवॉइड कर सके एक्सीडेंट्स को ठीक है इससे क्या है यही नहीं सिर्फ इसके साथ साथ हम हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे जो भी हम प्रोडक्ट्स डिस प्ले के लिए लेकर जा रहे हैं जो जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको भी फॉलो करना है यही नहीं पूरी प्रोसेस में जहाँ पे धूल मिट्टी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो साफ़ सफाई करवाना हमारा कर्तव्य बनता है सो हाइजीन इज ऑल्सो कंसिडर टू बी ए पार्ट ऑफ जॉब रोल तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है ना जो भी ये आप काम करोगे ये हमेशा पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है जो उसके लिए एसओपीज़ बने हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हैं उनका उनको फॉलो करना है नो पी सी टू है चेक वेदर द डिस्प्ले के एरिया इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज आर क्लीन एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम सो जब भी आप डिस्प्ले एरिया में जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं जो भी एसेसरीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो वो चेक करनी है कि वो साफ़ सुथरी हों है ना इससे क्या होगा कि अदरवाइज़ क्या होगा कि एक तो हाइजीन मेंटेन रहेगा अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं अगर वो गंदी पड़ी हैं खराब पड़ी हैं तो एक उससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा क्योंकि आपको क्या है टाइम उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा जो भी डस्ट डर्स और जर्म है ना कई बार आपके इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं खराब कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी जो फंक्शनिंग है वो malfunction हो जाता है जो भी काम है हमारा इंफेक्शन होने का डर रहता है यही नहीं जो काम आपका कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में होना होता है वो काफी टाइम लग जाता है जिससे प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है देन दिस डिस्प्ले एरिया मस्ट बी क्लीन एज आ, आ, ये, ये जो डिस्प्ले एरिया है ये आ, हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव में मेक ए ग्रेट पॉजिटिव इससे पॉजिटिव में पैशन बनता है देन डिस्प्ले भी इम्प्रूव होता है साफ सुथरा नज़र आता है यही नहीं कस्टमर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कस्टमर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रो करता है पीसी थर्ड है असेंबल एंड चेक प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल मटेरियल्स एंड प्रिपेयर देम फॉर यूज़ ठीक है अब असेंबलिंग प्रोडक्ट्स मीन्स जो हम असेंबलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है समटाइम क्या होता है है ना यहाँ पे हम दो तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आए हैं जिसको आपने डिस्प्ले करने से पहले जोड़ना पड़ेगा तभी वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा सो so, सो uh, uh, so जो ये रिटेल है है ना सो so, इसमें क्या है डिफरेंट सप्लायर्स अब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसको एक ही जगह पे जब आप डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे असेंबलिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको आ, जो प्रोडक्ट है वो डिफ़रेंट एरिया से जो प्रोडक्ट आए उनको परचेज़ किया है उनको अपने एक डिफरेंट प्लेस पर्टिकुलर प्लेस पर जो है डिस्प्ले करना है तो जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करते हो उस प्रोडक्ट को ध्यान से चेक करना है है ना अगर कोई एडिशनल मटेरियल या एडिशनल रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले मटेरियल हो गया या इक्विपमेंट उसको डिस्प्ले करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी ध्यान रखना है और फिर आपने इस प्रोडक्ट को रेडी करना है डिस्प्ले के लिए और आ, ये जितनी भी प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोडक्ट परचेज हो चुका है क्योंकि परचेज़ होने के बाद ही आप चेक करोगे कि कि इसको प्रोडक्ट को असेंबलिंग कैसे करना है किस तरह से आपने वेयर हाउस में रखना है किस तरह से इसको डिस्प्ले एरिया में पहुंचाना है और कहाँ पे डेजिग्नेटेड एरिया में एज पर प्लानोग्राम कहाँ पर ये प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है आफ्टर असेंबलिंग जो है आपने चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले के लिए सूटेबल है ठीक है कोई ऐसा इसमें ख़राबी तो नहीं है या कोई प्रोडक्ट में ऐसा फ्लॉ तो नहीं है जिसकी वजह से इसको डिस्प्ले नहीं किया जा सकता अगर किसी एडिशनल मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी यूज़ करना है और आ, आ, ये जो सारा जो एडिशनल मटेरियल है एडिशनल मटीरियल्स यहाँ मतलब है जो भी टूल्स और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे पर्टिकुलरली किसके लिए प्रोडक्ट के डिस्प्ले करने के लिए तो वो वो जो है आपने असम्बल करने हैं ठीक है देन पी सी फोर हैं रिव्यू द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर डिस्प्ले एस्टीमेट द क्वान्टिटीज़ रिक्वायर्ड एंड सेलेक्ट दोज़ प्रोडक्ट विच आर मोस्ट सुटेबल एंड रिगार्ड टू शेल्फ लाइफ डिमांड अपील एंड प्रमोशनल रिक्वायरमेंट सो जो भी प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले के लिए आया है तो उसमें क्या करना है आपने रिव्यू करना है जनरली टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास जैसे इम्पल्स प्रोडक्ट हैं इम्पल्स प्रोडक्ट्स में हमारे पास जैसे कुरकुरे टॉफीज चॉकलेट्स ये आ जाते हैं इम्पल्स जिनको देख के एकदम से जो कस्टमर है वो सोचता है कि नहीं अब कोई इसको परचेज कर लेना चाहिए देन स्टेपल प्रोडक्ट्स जो पैकेट होते हैं और रेडी टू फूड ईट मटेरियल होता है सॉरी है ना इमरजेंसी प्रोडक्ट्स में आपके पास जो हैं वो आ जाती हैं मेडिसिंस है ना कॉटन बैंडेजेस ये इमरजेंसी प्रोडक्ट्स हैं अनशॉर्ट प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं बट ज़रूरत पड़ने पर वो सर्विसेज या प्रोडक्ट आपको लेने ही पड़ते हैं लाइक इंश्योरेंस है ना बैंकिंग सर्विसेज एसेसरा एसेट्रा ना जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए जो है लेकर जाते हैं तो आपका ये फर्श बनता है कि आपको पता हो कि कितनी क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट जो आपका सेल्फ पे डिस्प्ले होना है एक तो रिक्वायरमेंट होगी कि दूसरी है कि उस प्रोडक्ट की सीजनल डिमांड कितनी है ना ना कितना अट्रैक्टिव है वो प्रोडक्ट देखने में प्रमोशनल कितना प्रमोशन पे कितना स्पेंड करना पड़ेगा हमें किस तरह से प्रमोशन करनी पड़ेगी एज पर द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर ऑफ़ द स्टोर है ना यही नहीं उसकी शेल्फ लाइफ भी देखी जाती है तो शेल्फ लाइफ बेसिकली क्या चीज़ है uh, कि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल होता है यूज़ uh, करने के लिए आफ्टर दैट शेल्फ लाइफ पीरियड उसकी एक्सपायरी हो जाती है बेसिकली जो एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आपके केस में जूसीज हो गए मिल्क हो गया कर्ड हो गया है ना तो इनकी शेल्फ लाइफ होती है या बैजि बैजिज होगी फ्रूट्स हो गया तो ये शेल्फ लाइफ होती है आफ्टर सर्टेन टाइम ये इनको हम यूज नहीं कर पाते हैं ठीक है सो बिफोर डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट रिव्यू में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है पहले तो क्वांटिटी जो डिस्प्ले के लिए आनी है तो वो कितनी क्वान्टिटी चाहिए डिमांड कैसी है मार्केट डिमांड कैसी है उस प्रोडक्ट की सेल्स अपील कैसी है देखने में अट्रैक्टिव है या प्रमोशन रिक्वायरमेंट उसकी है ना कि भी उसको बताना पड़ेगा लोगों को एडवर्टाइज़ करके बताना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के बारे में और यही नहीं इसके साथ साथ शेल्फ लाइफ भी देखनी पड़ती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कोई प्रोडक्ट जो है यूज़ होता है जिसमें बताया जूसिस की केस में तो उसकी एक एक्सपायरी एक डेट होती है तो डेट ऑफ मैनुफैक्चर से एक्सपायरी तक की उसकी शेल्फ लाइफ होती है काउंट होती है तो वो, वो वन ईयर और, और, और वन एंड हाफ ईयर और सिक्स मंथ और वन ईयर है ना ये डिपेंड करता है मेडिसिन की केस में होती है जैसे शेल्फ लाइफ राइट सो so, नो no, uh, PC5 फाइव है हमारे पास Prepare एंड डिस्प्ले टू इंश्योर maximum appeal एंड टू कम्प्लाई विद द प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स सो जब भी आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने जा रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है डिज़ाइन ब्रीफ को फॉलो करना है उस डिज़ाइन ब्रीफ के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है है ना और जो भी उसमें टेक्निक्स पैटर्न बताए गए हैं जो कि कस्टमर को अपील्ड करें प्रोडक्ट की तरफ है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिस्प्ले करना है बट ध्यान रहे कि जब भी आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं से उनको भी ध्यान में रखना है पी सी सिक्स है कन्फर्म रिक्वायरमेंट फॉर लेवलिंग ऑफ प्रोडक्ट विद रेलिवेंट पीपल सो जो है रिक्वायरमेंट लेवलिंग क्या होती है बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी डिस्प्ले किया होता है जो भी स्टिकर्स लगे होते हैं एक तरह से है ना जिसमें उसका प्राइस ब्रांड का नेम है ना क्या प्रोडक्ट है है ना कब एक्सपायरी होगा कितना प्राइस है एटसेट्रा बार कोड वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा एट्सेट्रा जो लिखा होता है उसे हम लेवल कहते हैं है ना कपड़ों के केस में जैसे साइजेज़ होती हैं प्राइजेज लिखे होते हैं कंपनी का के नेम लिखा रहता है है ना सो बेसिकली लेवलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है सो so, कस्टमर uh, को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है तो वहाँ पे लेवलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी कुछ लॉज हैं जो बोलते हैं कि लेवलिंग um, होना बहुत ज़रूरी है है ना प्रोडक्ट uh, के क्या कंपोनेंट है ना कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो एलर्जिक हो सकते हैं किसी के लिए या समटाइम um, कुछ क्लोथ्स होते हैं एलर्जिक होते हैं या कोई कॉस्मेटिक से एलर्जी होते हैं तो आपको कॉन्टेंट क्या है उसका कॉन्सिचुएंट प्रोडक्ट के कॉन्स्िचुएंस क्या हैं ये आपको डिस्प्ले करना पड़ता है लेवल पे और इसके साथ कॉमोडिटी uh, क्या है आइडेंटिटी ऑफ कॉमोडिटी मतलब प्रोडक्ट क्या है उसका नेम प्लेस ऑफ बिजनेस है न लेवलिंग uh, एक्ट के अंदर और बिजनेस अंडरफेयर एक्ट प्रैक्टिस के अंदर कितनी क्वांटिटी है क्या प्राइस है ये सब सारी चीज़ें जो हैं लेवलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं सो so, uh, ये जो, जो जो भी आपने लेवल करना है प्रोडक्ट में वो आपको पता होना चाहिए जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ या कुछ बाय लॉज एप्लीकेबल हैं वो फॉलो करने होते हैं नौ एलिमेंट टू लेवल डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट लेवल्ड डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट में हम स्टडी करेंगे कि जो डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट है उसको लेवल्ड कैसे किया जाएगा क्या क्या हमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इसमें रहेंगे तो पी सी सिक्स है कन्फर्म रिक्वायरमेंट्स फॉर लेवलिंग ऑफ प्रोडक्ट विद रेलिवेंट पीपल तो आप जो भी प्रोडक्ट जो हैं वो लेवल करने जा रहे हैं तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो रेलिवेंट जो ऑथराइज पर्सन हैं जो पर्सन इस काम के लिए बने हैं उनके साथ क्या है कंसल्ट करना है है ना सो बेसिकली लेवल क्या होता है पीस ऑफ पेपर प्लास्टिक फिल्म क्लोथ्स मेटल और अदर मटेरियल अपिक्स टू ए कंटेनर और प्रोडक्ट ऑन विच इट इज़ रिटर्न और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और सिम्बल अबाउट द प्रोडक्ट और आइटम्स रहता है चिपका हुआ रहता है या अटैच रहता है उसे हम क्या कहते हैं लेवल है, कहते हैं सो इन्फॉर्मेशन जो प्रिंट की जाती है डायरेक्टली ऑन कंटेनर और आर्टिकल कैन आल्सो बी कंसिडर एज लेवलिंग तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट की जाती है जो ये प्रोसेस होती है उसे लेवलिंग कहते हैं मेरी एक अनदर वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में कि लेवल क्या होता है ठीक है और कितनी तरह के होते हैं नौ पी सी है कन्फर्म लेवल इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड कन्फर्म टू लीगल एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट विद रेलिवेंट पीपल सो बेसिक लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगेन की प्रोडक्ट पैकेज की आइडेंटिफिकेशन हो प्लेस ऑफ बिजनेसिस का पता लगे नेम ऑफ मैनुफैक्चर पैकर और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं नेट क्वांटिटी और प्राइस क्या है सो so, uh, या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज़ ए टीम लीडर की जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं लीगल वे से या कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट में जो भी लेवल है उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया कहीं ऐसा तो नहीं गलत इंफॉर्मेशन उस पर प्रिंट हो गई है है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सो so, जो बेसिक लेवल रिक्वायरमेंट है वो तो होनी ही चाहिए पी सी एट एट है पोजिशन लेवल फॉर प्रोडक्ट करेक्टली सो करेक्ट एज पर लो जो है है ना कि जो लेवल की पोजिशन है वो करेक्ट होनी चाहिए मैंडेटरी है है ना सो फॉर मोस्ट कॉमन पोजिशन फॉर लेवल्स आर ना राइट ऑफ राइट ऑफ मतलब राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर टॉप पर हो सकती है बॉटम पे होना इन चार जगहों पर आपकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेडिसिन की बॉटल्स हों तो वहाँ पे साइड पे लिखी रहती है समटाइम जैसे पानी की बॉटल है तो उसमें डेट ऑफ माइनफक्ट्री उसके नेक पे लिखा रहता है तो टॉप हो गया है ना समाइम बॉटम में होती हैं कुछ इंफॉमेशंस इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में लेवल की मोस्ट कॉमन पोजिशंस ये हैं राइट टॉप ऑफ लेफ्ट ऑफ एंड बॉटम ऑफ नो पी सी नाइन है इंश्योर दैट लेवल्स आर लिजबल विजिबल टू कस्टमर एंड सिक्योरली पोजिश इन द करेक्ट प्लेस सो इंश्योर करना है कि जो जो भी लेवल्स आपने लगाए हैं वो कस्टमर को विजिबल हों लिजिबल हों पढ़ाई दे, दे रही हों और प्रॉप पर सिक्योरली पोजिशनड हों और कलेक्ट प्लेस पर हों सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में वही अगेन जो लेवल हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पैकेज है ना सो so प्रोडक्ट के बारे में पता चले प्लेस ऑफ बिजनेस मैनुफैक्चर पैकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में इन्ग्रीडियंट क्या है नेट क्वान्टी प्राइस और करेक्ट पोजिशन क्या है इसके बारे में होना बहुत ज़रूरी है एक लेवल की ये रिक्वायरमेंट्स हैं नौ एलिमेंट थ्री अरेंज एंड मेंटेन प्रोडक्ट फॉर डिस्प्ले सो आपको डिस्प्ले के लिए प्रोडक्ट कैसे अरेंज करना है और मेंटेन करना है ये एलिमेंट थ्री है सो so, इसमें पी सी टेन है चेक टेक स्टेप टू इंश्योर दैट डिस्प्ले एरिया ऑलवेज मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइजीन सेफ्टी एंड सेल्स अवेलिटी सो जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्प्ले करने जा रहे हैं एज़ पर डिज़ाइन ब्रीफ तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्ले एरिया है वो स्पीक एंड स्पेन हो है ना हाइजीन और सेफ्टी नॉम्स पूरे फॉलो करता हो अदरवाइज क्या होगा वहाँ पे जब डर्टी प्लेस होगा तो कोई भी जो कस्टमर है जो विजिटर है वो उस प्लेस को विजिट नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो पहले से डर्टी है है ना तो क्यों विजिट करेगा सो तो जो कस्टमर पैसे देना चाह रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या इंटरेस्टेड है पर, वो नहीं ख़रीदेगा क्योंकि उस पर धूल मिट्टी पड़ी हुई है उस प्रोडक्ट पर है ना सो so, ये चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है पी सी इलेवन है ट्रांसफ़र प्रोडक्ट सेफली टू डिस्प्ले एरिया अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन सो जो भी इंस्ट्रक्शंस या स्पेसिफिकेशन दी गई हैं किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने की फ्रॉम बियर हाउस टू डिस्प्ले एरिया डिस्प्ले एरिया टू अगेन टू बियर हाउस इन सम केसिस तो वहाँ पर हमें जो है सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं उनको फॉलो करना है तो स्टेप है प्लान फॉर स्टॉक ट्रांसफ़र कि स्टॉक कौन सा स्टॉक जो है ट्रांसफ़र किया, किया जाना है वो कब ट्रांसफ़र किया जाना है मैं एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट उसके लिए क्या है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेज की जाती है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेज करना मतलब मालों की एक किसी शेल्फ में पांच बोटल्स जो हैं वो ऑयल की चाहिए है ना सो पांच बोटल जो ऑयल्स की चाहिए पर्टिकुलर ब्रांड की उसके लिए एक रिक्वेस्ट रेज की जाएगी जिसको हम ट्रांसफ़र ऑर्डर भी बोल देते हैं है ना वो सबमिट की जाती है आइटम जो है फिर ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी होती हैं फिर रिसीव की जाती हैं ऑन पेपर्स भी होता है या ऑन सॉफ्टवेयर भी होती है ये चीज़ और अप्रोप्रिएट जब रिसीव कर ली जाती है तो अप्रोप्रिएट लोकेशन पर उनको क्या कर दिया जाता है डिस्प्ले कर दिया जाता है पी सी ट्वेल्व है रेंज एंड प्रॉपर्ली रिप्लेस प्रोडक्ट एंड एडिशनल मटेरियल इन ए वे दैट इज़ एट्रैक्टिव टू कस्टमर्स एंड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइजीन एंड सेफ्टी सो so, uh, सबसे पहले वही बात अगेन आ रही है कि वाइटल फैक्टर है कि हमें डिज़ाइन ब्रीफ को यूज़ करना है उसी को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है ठीक है और इस तरीके से डिस्प्ले करना है कि जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हों और यही नहीं सबसे बड़ी इम्पॉटेंट बात यह है कि हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने जा रहे हैं तो ये ज़रूर रखना है कि सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान जरूर रखना है और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई एडिशनल मटीरियल इसके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए चाहिए यही नहीं कई बार प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाता है या टूट गया है प्रोडक्ट तो उसको रिप्लेस करने का भी पूरा पता होना चाहिए कि वो रिप्लेस किस तरह से होगा और कैसे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ऑयल की बोतल टूट गई तो वो सफाई करवानी है वहाँ पे हाउस कीपिंग को बोल के रिप्लेस करना है वो बोतल उसकी जगह न्यू बॉटल्स लेकर आनी है तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए PC13 has repositioned and reorganized the position of the product and accessories where the product is not available to maintain. प्रजेंटेशन एंड टू मीट ट्रेडिंग कंडीशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिज़ाइन ब्रीफ रिपोजिशनिंग एंड री ऑर्गनाइजेशन ऑफ पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट एंड असेसरीज इज इनसरी टू डेक्ट अ क्लाइंट सो डिज़ाइन ब्रीफ के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए समाइम हमें प्रोडक्ट को न, न, उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना पड़ता है पुजी, री पोजिशनिंग करना पड़ती है रिओर्गनाइजेशन करनी पड़ती है और कुछ अगर असेसरीज की जरूरत हो, हो वो भी हमें यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो अट्रैक्ट हो सके है ना वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो पी सी मॉनिटर मोनिटर डिस्प्ले एज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन सो जो आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर लिया तो आपने ज़रूर चेक करना है कि एज़ पर द डिज़ाइन भी या जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपके आपको उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है वैसे ही स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन ब्रीफ की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको डिस्प्ले किया है या नहीं अगर नहीं है तो उसको चेंजेस करना हमारा कर्तव्य बनता है पी 15 फिफ्टीन है कैरी आउट द एमरजेंसी क्लिनिंग प्रोसीजर प्रॉम्प्टली वैन रिक्वायर्ड सो इन केस ऑफ ब्रीकेज और लीकेज है ना मैंने जैसे पहले बताया कि टूट जाता प्रोडक्ट या लीकेज हो जाती है तो इमीजिएटली हमें वहाँ पे नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए और इमरजेंसी वहाँ पे क्लीनिंग करवानी है बिकॉज उसकी वजह से किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है फॉर एग्जांपल कांच की बॉटल थी या गिलास था तो वो टूट गया है तो उसकी वजह से किसी छोट अगर किसी कोई कस्टमर अपने जो है बच्चों को साथ लेकर आया तो उसको चोट भी लग सकती है, है ना कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है तो इसलिए ये क्लिनिंग प्रोसीजर इमिजिएटली स सच काइंड ऑफ एमरजेंसी करने पड़ते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसकी वजह से नाउ टेक प्रॉम्प्ट एक्शन पीसी सिक्सटीन में टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू एड्रेस एनी प्रोडक्ट और डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम सो कोई भी डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए इमिजिएटली एक्शन लेना है ना? So, uh, है ना सो डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो हैं कि सेम डिस्प्ले पूरे साल चलाया हुआ है ना तो उससे क्या होता है कस्टमर बोरिंग फील करता है कस्टमर न्यू देखना चाहता है हमेशा प्लेस ऑफ जो प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले किया है वो गलत स्पॉट पर कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखा है है ना टू मच क्लटर्ड है बहुत बिखरा हुआ है बहुत ज़्यादा सामान रख दिया है ना यू फॉरगेट प्रैक्टिकलिटी है ना जब आप भूल जाते हो यहाँ पे फॉरगो लिख दिया है फॉरगोट uh, है प्रैक्टिकैलिटी की भी हाँ कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन ब्रीफ को छोड़कर अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना शुरू कर देते स्टिक टू वन डायमेंशन अगर हम एक ही चीज़ को लेकर बैठ जाए कि ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो ऐसा भी नहीं है ना uh, हमें हर प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आनी है अट्रैक्टिव बनाना है डिजाइन ब्रीफ हो, so that की हो जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं न्यू है तो उसके लिए डेमोस्ट्रेट करो अपने प्रोडक्ट को सीजन के अकॉर्डिंग अलाइन करो है ना फॉलो द रूल ऑफ थ्री रूल ऑफ थ्री की प्रॉपर वे राइट right राइट right प्लेस पे राइट प्रोडक्ट राइट पर्सन के लिए रखा गया हो है ना जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट रखे रहते हैं वो बच्चों की हाइट पे ही डिस्प्ले होने चाहिए है ना सो so, जो मेन प्रोडक्ट हैं वो क्या होने चाहिए हमारी आई लेवल्स पे होने चाहिए जो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हैं और नी लेवल से बड़ों के लिए प्रोडक्ट नीचे नहीं होने चाहिए है ना सो so, किस तरह से डिस्प्ले करना है ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था तो वहाँ डिटेल में आपको मिल जाएगा सो टारगेट द कस्टमर जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हो वो कौन से टाइप के कस्टमर के लिए टारगेट किया गया इसका विशेष ध्यान रखना सो होप so, आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल एके मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू